शिक्षा को समृद्धि की राह का सबसे शक्तिशाली उपकरण माना था। आज़ादी मिली तो 2 साल में खड़गपुर में पहला आईआईटी बना। यूपीए सरकार ने आईआईटी और आईआईएम सहित उच्च शिक्षण संस्थानों में ओबीसी छात्रों के लिए 27% सीटें आरक्षित की। मौलाना आज़ाद फेलोशिप हमने शुरू की कमजोर तबकों के छात्रों को इन संस्थानों में जाने का मौका मिला। इन सब का नतीजा था कि आज दुनिया भर में भारत के डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट को सम्मान और नौकरी मिलती है और उनकी डिग्री की इज्जत होती है। इसीलिए मुझे मेरे कहना है कि अगर डिग्री को इज्जत होना है तो ऐसी चीज़ें घपले घोटाले इसको बंद करना चाहिए। मौजूदा हालात नहीं सुधरी तो पूरी दुनिया में हमारी शिक्षा प्रणाली की क्रेडिबिलिटी खतरे में पड़ जाएगी। हर डिग्री पर संदेह होगा और हर डिग्री को लोग संशय के दृष्टि से देखेंगे। तो इसलिए इस जो 10 साल में आपने शिक्षण प्रथा भी शुरू की है, आपने बोले तो सर आप मत समझिए, सरकार को बोल रहा सर, हमारी शिक्षा प्रणाली पर 10 सालों में बीजेपी आरएसएस के लोगों ने कब्जा कर लिया है। यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स, प्रोफेसर्स, एनसीईआरटी, सीबीएसई सब में आरएसएस का कब्जा है और अच्छे विचार वालों को वहां पर कोई जगह नहीं है। खुद मंत्री जी, दिस पार्ट खुद मंत्री जी खड़गे जी दिस पार्ट भी नोट विचारधारा से आते हैं। खड़गे जी दिस पार्ट भी नोट गॉन रिकॉर्ड। मैं कहूंगा पीएम को इसकी जिम्मेदारी खड़गे जी लेनी चाहिए। एक बार खड़गे जी इसको मैं एक्सपेंस भी कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ आपको बता रहा हूँ। मैं एक्सपेंस कर रहा हूँ इस पार्ट को और क्यों कर रहा हूँ बता रहा हूँ। देखो साहब, नहीं मैं बता रहा हूँ, मैं आप अपॉइंटमेंट का लिस्ट लगे, नहीं आप सेक्रेटरिएट में कितने भरे हैं, सुनिए वीसी के कितने लोग हैं, किन किन जाति के लोग हैं, और प्रोफेसर किन जाति के हैं, एक बार सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कितने हैं, एक बार आप लाओ लिस्ट, एक बार स्थान ग्रहण कीजिए, कोई गरीब है उसमें, स्थान ग्रहण कीजिए उसमें, स्थान ग्रहण कीजिए, पिछड़ा है उसमें, आप देखिए स्थान ग्रहण कीजिए। ये बात मैं कर रहा हूँ, मेरे इस बात को अगर आप ठुकराते तो मेरा कोई आपका ये नहीं। क्या किसी संस्था का सदस्य होना अपराध है? क्या आप यही कर रहे हैं? आप कब्जे जैसे शब्द का उपयोग कर रहे हैं, कैसे अलाउ कर सकता हूं? आप कह रहे हैं एक संस्था ने कब्जा कर लिया, बिल्कुल गलत है। मान लो कोई व्यक्ति आरएसएस का सदस्य है तो क्या ये अपने आप में अपराध है? किस बात का कम्युनल है? एक संस्था है, राष्ट्र का कार्य कर रही है, राष्ट्रीय भी कार्य कर रही है, देश और दुनिया में प्रमाणित लोग हैं, देश के लिए योगदान दे रहे हैं, दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा आज के दिन उनमें योग्यता देख सकते हैं आप। दिस विल नॉट गो ऑन रिकॉर्ड, प्लीज कंटिन्यू। ये विचारधारा जो है देश के लिए, उनकी विचारधारा खतरनाक है, इसलिए मैं चाहता हूं। ये मनुवादी है, इसलिए इन लोगों को यहां पर जगह नहीं है। ये मनुवादी है, वो स्त्रियों को शिक्षण देना नहीं चाहते, दलितों को शिक्षण नहीं देना चाहते, संस्कृत नहीं पढ़ने देते, और ऐसे लोगों को अगर यहां पर जगह मिली, चुन चुन के अगर आप डाले, तो ये देश में एजुकेशन सिस्टम खत्म और संविधान का उद्देश्य भी आप खत्म। खड़गे जी, एक सेकंड, ये मेरा राय, ये मेरा, एक सेकंड, ये मेरा राय, ये मेरा विचार है। आप कोई भी शिक्षा दो, मैं लेने के लिए तैयार। जो लीडर ऑफ अपोजिशन ने
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में कहा है वो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य है और उसे एक्सपंज करना चाहिए और इनको इनको जरा भी जानकारी संगठनों के बारे में नहीं है, उसे एक्सपंज करना चाहिए अध्यक्ष महोदय। इट इज ऑलरेडी एक्सपंज, दैट इज एक्सपंज। खड़गे जी टेक द फ्लोर। नो मिस्टर तिरुचि शिवा, राइट ऑफ एक्सप्रेशन डज नॉट एक्सटेंड टू कास्टिंग अस्पर्शंस, टू एक्यूजेशंस, क्रॉसिंग ऑल बाउंड्रीज। हियर इज एन इंस्टीट्यूशन सर्विंग द नेशन इन वेरियस फॉर्मेट्स। अरे सर सुनिए, आप बोलिए। नहीं मेरे पास नहीं है। देखिए सर, ये मैं नहीं कह रहा हूं, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी यही कहा कि राज ये आरएसएस से जुड़े हुए और इस देश के सभी लोग जानते हैं आरएसएस के लोगों ने उचका कर गोडसे को उचका कर महात्मा गांधी की हत्या की। You are engaging, unfortunately, painfully, in bashing an organization that is working for the nation tirelessly with nationalistic mindset. I would have expected a leader of your stature to say nothing but appreciate. As senior men, don't find yourself in chains. Where appreciation is needed, you must appreciate. Yes. Regret. ये जो वक्तव्य इन्होंने दिया सर, ये निंदनीय है और ये तथ्यों से परे है और इसको एक्सपंज करना चाहिए। अरे आप सौ बार बोलो, आप सौ बार कहिए, मैं सौ बार यही कहूंगा कि आरएसएस देश को सर अग्निवीर जैसी अनप्लान तुगलक की योजना लाकर नौजवानों का मनोबल तोड़ दिया है। इसे लेकर पूरे देश में नौजवानों का बड़ा आंदोलन हुआ पर आपने किसी की नहीं सुनी। मेरी मांग है कि अग्निवीर योजना खत्म की जाए। आप तो जानते हैं साहब, आप राजस्थान से आते हैं, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, यहाँ के नौजवान लोग इसी पे निर्भर है। आप तो किसान के घर से आते हैं जिसको एक तरफ किसान को दूसरी नौकरी नहीं मिलती, एक तो खेती करना या नहीं है तो वो फौज में भर्ती होना। क्या आप अपने बच्चों को ऐसा करने देंगे? मैं आपसे पूछता हूँ साहब, उनसे नहीं पूछता क्योंकि उनसे पूछे तो वो लोग एकदम भड़क जाएंगे, क्योंकि कभी तो दो मिनट सुन लीजिए सर, कभी लड़े नहीं देश के लिए, मुझसे पूछा कभी है, मरे नहीं देश के तो लिए, दो मिनट सुन लीजिए। वो हमको आज किसान का बेटा, देशभक्ति का पाठ, आज किसान का बेटा साइंटिस्ट है, अधिकारी है, उद्योगपति है, हमारे पार्लियामेंट भी है, हमारे संसद भी है, हमारे देश की अर्थव्यवस्था में योगदान कर रहा है। किसान को छोटे दाने भी मत देखिए, हमारे वजह से किसान के सच्चाई कैसे बनी है, आईआईटी हमने बनाया, कैसे बनेंगे तब यूजीसी हमने बनाया, मैं किसान का बेटा हूँ, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हमने बनाया, किसान कितना ग्रीन रेवोल्यूशन हमने लाया, मुझसे पूछा व्हाइट रेवोल्यूशन हमने लाया, हर एक बच्चा हमने जो संस्थाएं निकाले थे वहां पड़े हैं या आरएसएस के लिए। जी सो हमको क्या खड़गे जी जानकारी लीजिए, जो रिजल्ट आते हैं जो योग्यता में आगे रहते हैं उनके अंदर किसान परिवार की कितनी बड़ी भागीदारी आपको अंदाजा नहीं है। सरकारी तंत्र में किसान की भागीदारी, अरे किसान कितना करिश्मा देश के लिए कर रहा है, की भागीदारी हमने भी, चाहे
27% की भागीदारी हमने दी, एससी एसटी को रिजर्वेशन हमने दिया, आदिवासियों को रिजर्वेशन हमने दिया, आपने क्या? आप सिर्फ तोड़ने की बात करते हैं। सर मोदी जी ने 2014 में हरियाणा में वन रैंक वन पेंशन का वायदा किया, लेकिन आप तो नो रैंक नो पेंशन पर उतर गए। सैनिक स्कूल सरकारी क्षेत्र में बने थे सर, सैनिक स्कूल सरकारी क्षेत्र में बने थे, उनको निजी क्षेत्र में देते देते आरएसएस के लोगों को दिया गया। वृंदावन, यूपी, सोलन, हिमाचल, रोहतक, हरियाणा, ये सब एरिया। प्लीज एक्सपेंस, टोटली एक्सपेंस। अरे दिया सब उनको सौंपा गया। खड़गे जी, मैं आपकी खड़गे जी मैं आपसे एक बात पर विचार करने का आग्रह कर रहा हूँ। मैं आपसे एक बात के लिए आग्रह कर रहा हूँ कि मेरी बात को आप ध्यान से सुनिए। क्या इस देश में हर व्यक्ति को ये अधिकार नहीं है कि वो इस देश की विकास गंगा के अंदर भागीदार हो? क्या हर व्यक्ति को अधिकार नहीं है कि उस हवन में अपनी आहुति दे? आप कह क्या रहे हैं? मैं सैनिक स्कूल का छात्र हूँ, मैं उन स्कूलों में गया हुआ हूँ, मैंने देखा क्या कुछ हो रहा है। दुर्भाग्य की बात है, शायद आप एक भी सैनिक स्कूल में नहीं गए हैं। मैं गया हूँ सैनिक स्कूल में जाकर, मैं इसका अध्ययन कर रहा हूँ। आप समाज के एक वर्ग को हर काम से दूर रखना चाहते हैं, ये मानसिकता भारत के संविधान के अंदर सही नहीं है। विचार कीजिए इस पर। एक नाम आते ही आप एकदम कहते हैं ये क्यों किया। ये देखिए साहब, नहीं ये देखिए, मेरी राय है, ये मेरी राय कायम रहेगी, जब तक इस देश में जातिवाद है, छुआछूत है, तब तक ये कायम रहेगा।